हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आया हूँ। 2022 का लेटेस्ट जजमेंट है और काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट दिया था रजनीश वर्सेस नेहा का केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने मैट्रिमोनियल इशू से जो भी एस्पेक्ट से सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नए गाइडलाइंस और नए डायरेक्शंस इशू किए थे। कोर्ट ने इसके लिए इशू किया था कि जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको कोई एजम्पशन पे मैट्रिमोनियल केसेस में कोई डिसीजन नहीं लेना पड़े। जो भी डिसीजन हो, जो भी मेंटेनेंस ग्रांट करे, वो सॉलिड प्रूफ के बेसिस पे ग्रांट करे। और फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इनकम एफिडेविट दोनों पार्टीज़ को देने के लिए बोला था, चाहे वो 125 का मेंटेनेंस का केस हो CRPC में, या फिर DV का केस हो, या सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में कोई एप्लीकेशन हो। पर्पस क्या था कि पार्टीज़ के दोनों पार्टीज़ का सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली पता चल सके, बिकॉज दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के बारे में एग्जैजरेट करके उसका इनकम क्या है बताते और अपना इनकम कम करके दिखाना चाहते हैं, कम से कम दिखाना चाहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइन दिया था कि दोनों पार्टीज़ अपना एक्चुअल इनकम सही सही बता सके और अपोजिट पार्टी का भी सही सही डिटेल दे सके, और इसमें अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने पर ही पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली लैंडमार्क जजमेंट दिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी केसेज आते हैं उसमें दोनों पार्टीज़ डिफरेंट इनकम दिखाते हैं, ITR भरते हैं, और ITR डिफरेंट वे में भरते हैं, और ITR जो है वो एक सॉलिड प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, और इस पर रिलाई करके कोई भी केस डिसाइड नहीं किया जा सकता मेंटेनेंस का। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट गाइडलाइंस दिया ITR से रिलेटेड। तो चलिए हम जानते हैं सारे वीडियोस को, सारे स्टेटस को डिटेल में, इस केस से रिलेटेड क्या प्रोविजन थे, क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि जो ITR है ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ का एक्चुअल इनकम दिखाता हो। किसी का एक्चुअल इनकम क्या है ITR से नहीं मालूम चल सकता, टोटली इस पे रिलाई नहीं हो सकते मेंटेनेंस ग्रांट करने के टाइम पे। तो ये जजमेंट के बेसिस पे वाइफ कभी भी जो ITR अगर आपने फाइल किया, सपोज़ अगर आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है और आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, तो वाइफ इसको कभी भी डिस्प्यूट कर सकती है, और डिस्प्यूट करके मेंटेनेंस के केसेस में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो चलिए हम जान लेते हैं इस केस का फैक्ट क्या था। तो फैक्ट ये था कि वाइफ ने सेक्शन 125 CRPC का केस फाइल किया था खुद के बेसिस पे, और दो डॉटर्स के बेसिस पे जो माइनर डॉटर्स थे उनके बेसिस पे भी, उनके बिहाफ पे फाइल किया था। और वाइफ ने ये क्लेम किया था कि जो हस्बैंड है उसका इनकम 2 लाख रुपये पर मंथ है, बट इससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ, कोई भी सॉलिड प्रूफ वो नहीं दे पाई थी कि हस्बैंड का इनकम 2 लाख पर मंथ है। जबकि हस्बैंड ने ITR फाइल किया और ITR रिटर्न जो था उसका कॉपी फाइल किया, और उसमें ये दिखाया कि 4,50,000 एनुअल इनकम है, दैट मींस दैट कम्स अराउंड 37,000 पर मंथ इनकम अपना दिखाया। तो जो ट्रायल कोर्ट है उसने ये अज्यूम किया कि जो हस्बैंड का इनकम है 2 लाख पर मंथ है, और ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया वाइफ के फेवर में, दैट वाज 20,000 फॉर वाइफ, और दो जो चिल्ड्रन थे उनमें 15,000 ईच, तो टोटल मेंटेनेंस हो गया 50,000 रुपीज़ पर मंथ। तो जो हस्बैंड है वो जाता है रिवीजन में, हाई कोर्ट को अप्रोच करता है, तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया और हस्बैंड के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। तो वाइफ चैलेंज करती है ऑर्डर को और जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हियरिंग दिया आर्गूमेंट्स, दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट सुनने के बाद माइन्यूटली चीज़ें डिटेल में चेक करती है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड हस्बैंड ने एक केस फाइल किया हुआ है दोनों चाइल्ड के कस्टडी से रिलेटेड, और उसमें ये हस्बैंड ने बोला है कि गुड सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो चीज़ को, वो बात को कोर्ट पकड़ लेती है गुड सोर्स को, और कोर्ट ने ये कहा कि अगर हस्बैंड के पास गुड सोर्स ऑफ इनकम है, गुड सोर्स है, तो वो हस्बैंड कैपेबल है वाइफ को और बच्चों को मेंटेन करने में। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो हस्बैंड है उसका एक बिजनेस, फादर के बिजनेस में उसका रोल है, तो बट ये नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उस रोल से कितने पैसे आते हैं, कितना इनकम है उस फादर का, फादर के बिजनेस में जो हस्बैंड का रोल है।
बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो दोनों बच्चे हैं उनकी उनका मेंटेनेंस और वाइफ का मेंटेनेंस जो है उसकी मदर और उसके भाई देते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियरली इसमें बोला कि जो ITR है ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ का एक्चुअल इनकम शो करे। तो जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है दोनों पार्टीज़ उसमें अपना जो इनकम है वो अंडरस्टिमेट करके दिखाते हैं, तो इसलिए कोर्ट ITR पे रिलाई होके जजमेंट नहीं पास कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट था उसके जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, जो हस्बैंड के फेवर में ऑर्डर दिया था हाई कोर्ट ने, एंड मैटर को हाई कोर्ट में फिर से भेज दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाए, जजमेंट पास किया जाए। तो ये तो रहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो आई टोटली अग्री कि जो भी मैटर्स होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उससे भी मैं अग्री करता हूँ, बट मैं ये भी बोलूँगा कि जो ये जजमेंट है ऐसा नहीं है कि ये एक सर्टेन डिसीज़न है जिस पे दोनों पार्टीज़ अच्छे से वर्क कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट में आई अग्री कि दोनों पार्टीज़ अपने अपने इनकम कम दिखाते हैं और दूसरे पार्टी के ज़्यादा दिखाते हैं, यानी अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ का दिखाएगा इनकम बहुत ज़्यादा है, अगर वाइफ है तो दिखाएगी हस्बैंड का इनकम बहुत ज़्यादा है, और अपना और अपने अपने इनकम अपने अकॉर्डिंग कम दिखाते हैं। बट ये दोनों पार्टीज़ मिसयूज कर सकते हैं ITR का, जो बात करें तो दोनों पार्टीज़ मिसयूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड मिसयूज करता है या फिर वाइफ मिसयूज करती है। तो रूल दोनों पार्टीज़ के लिए सेम होना चाहिए। बट एनीवेज ये जजमेंट है तो है, वी हैव टू फॉलो, नथिंग कैन बी डन। अगर केस की बात करें तो किरण तोमर वर्सेज स्टेट ऑफ UP का जजमेंट है, क्रिमिनल अपील नंबर 1865/2022 का जजमेंट है, और इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट आप जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, और अगर वाइफ है तो आपके काम आ सकते हैं, हस्बैंड है तो आप अपने अकॉर्डिंग ये जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।